मेरे पीछे आप देख रहे हैं रामेश्वरम धाम, और इससे अच्छा व्यू ना कहीं नहीं मिलने वाला है। ये धाम जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आपको तमिलनाडु आप जाओगे तब आप देख पाओगे, और यहाँ आप अगर आते हो तो आप आराम से ये चारों धाम के दर्शन कर सकते हो। तो अभी मैं सबसे ऊपर में आ चुका हूँ जहाँ पर शिव जी की बड़ी सी प्रतिमा बनी हुई, और यहाँ पे आने के बाद जब मैं आ रहा था नीचे से पहाड़ों के रास्ते से हम लोग आ रहे थे, तो ऊपर पहाड़ों पर बहुत छोटा सा नज़र आ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रतिमा यहाँ पर। वीडियो के अंदर शायद नहीं पता चले, मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की कितनी बड़ी प्रतिमा है। ये बहुत ही भव्य मूर्ति है, बहुत ही भव्य प्रतिमा बनी हुई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ का जो व्यू है ना, एक बार मैं आपको पूरा घूम कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मूर्ति है भगवान की, भगवान भोलेनाथ की, और इधर से पीछे मैं जब घूमता हूँ तो यहाँ पे आपको चारों धाम नजर आता है। और ये जो व्यू है ना, इससे बेहतरीन व्यू कुछ हो नहीं सकता। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से मैं पूछूंगा कि इतनी बड़ी शिव जी की प्रतिमा जो मैंने आप सभी लोगों को दिखाई है, आपने पहले कभी देखा है कि नहीं, या फिर आप कभी गए हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे नहीं आए हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यहाँ आए, और काफ़ी अच्छा वातावरण है, बहुत ही अच्छा माहौल है, यहाँ पर आकर आप दर्शन करें। और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही स्पेशियस जगह पर ये धाम बनाया गया है, तो आपको घूमने में काफी समय लग जाएगा अगर आप यहाँ आते हो तो। तो मेरे पीछे आपने अभी दर्शन किए घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के, यहाँ पे भी भगवान भोलेनाथ का बाबा का शिवलिंग है। तो मेरे पीछे आप यहाँ देख रहे हैं महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, तो बाबा के दर्शन करिए आप लोग और आशीर्वाद लीजिए। और इतने सारे मंदिर हैं यहाँ पर, छोटे छोटे, बड़े बड़े, और चारों धाम के अलावा भी यहाँ पर मंदिर हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो यहाँ पे भी बाबा का शिवलिंग बना हुआ है, और दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए, और जो भी मनोकामना भगवान से मांगिए जरूर पूरी होगी। मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो इस व्यू को, इस नज़ारे को, इस मोमेंट को मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इन्जॉय करें, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैं भी इन्जॉय कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस मोमेंट को इन्जॉय करें, और मेरे साथ हर हर महादेव एक बार ज़रूर बोलिए। तो इसी तरह वीडियो में बने रहिए। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं बद्रीनाथ धाम, और यहाँ के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो सजावट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बिल्कुल हूबहू ऐसे ही सजावट की गई है, बिल्कुल उस मंदिर की तरह ही सजावट इस मंदिर की भी की गई है, और जितनी भी नकाशी और जितनी भी ये कलर और डिज़ाइंस वगैरह आप देख रहे हैं, हूबहू बिल्कुल उसी तरह का बनाया गया। तो ये बद्रीनाथ धाम है।
ये थे नामची के चारों धाम के दर्शन जो मैंने आप सभी लोगों को कराए। तो सिक्किम का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि सिक्किम में इतनी अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए, और ख़ास करके नामची मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। इसी के साथ इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ, नामची के व्लॉग को, नामची चार धाम के व्लॉग को। डे वन से सिक्किम ट्रिप में डे वन से मैंने आप लोगों को नाथुला पास, चांगू लेक और कंचनजंगा का व्यू और बादलों का वो जो कुछ भी था वो, उसके बाद कल लोकल साइट सीन्स जो भी थे वो हम लोगों ने किए, जिसमें पंजाकरी वाटरफॉल्स तो बंद था तो वहाँ पर मैं जा नहीं पाया, तो लोकल साइट सीन जितना भी मैं कर सकता था आप लोगों को करके दिखाया। और अभी आज मैं यहाँ पर आया था तो आप लोगों ने नामची का भी, नामची चार धाम का भी, नामची एक्चुअली एक जगह है यहाँ पर और यहाँ पर चार धाम है, तो यहाँ का भी आप लोगों ने दर्शन किया। और अगर आप कभी सिक्किम नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर विज़िट करें यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी जगह है, इट्स अ क्वाइट गुड प्लेस एंड यू कैन कम हियर एंड एंजॉय। ट्रैवलिंग वगैरह थोड़ा महंगा है लेकिन फिर भी बजट फ्रेंडली है, तो आप आ सकते हो यहाँ पर और ट्रैवल कर सकते हो। तो चलिए फिर इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ यहीं पर, थैंक यू।